गुड मॉर्निंग प्यारे बच्चों, आज क्लास फर्स्ट में हम मैथ में पढ़ेंगे मनी मनी। देखें रुपए बी यूज कौन कौन से यूज करते हैं हम सब इंडियन। सिक्के हैं, कॉइंस, कुछ जो है भारतीय सिक्के हैं प्यारे बच्चों, सब इंडियन। कुछ जो है भारतीय सिक्के हैं प्यारे बच्चों, 50 पैसे, 50 पैसे हो गया है ना, ये हमारे भारतीय सिक्के हैं। ठीक, 1 रुपए ऐसे होते हैं, पहचानना है पहले तो नहीं। एक उपाय वन रुपी, 1 रुपए ₹5 ₹10 इस प्रकार से प्यारे बच्चों, ये भारतीय सिक्के हैं। आप समझिए, ये 50 पैसे का सिक्का है, ये 1 रुपए का है, ये 2 रुपए है, ये 5 रुपए है और ये 10 रुपए है। अब इस तरह भारतीय नोट है, भारतीय नोट है आपको समझना प्यारे बच्चों, कैसे भारतीय हमारे नोट है, सम इंडियन नोट्स, कुछ सम इंडियन, नोट्स कुछ भारतीय नोट, ₹10 इस तरह से, ये हमारे
कुछ जो है 10 रुपये इसका नोट है, इसी तरह 20 का नोट है। प्यारे बच्चों 20 रुपए ये आपको सब लिखा रहेगा भारतीय रिजर्व बैंक। ये आप पेज नंबर 69 में लिखेंगे। पेज नंबर 69 में देखेंगे इस प्रकार से ये 20 रुपए ये 20 रुपए में आपके ₹50 ये आपका 50 रुपए है। इसी तरह के प्यारे बच्चों ये नोट रहेंगे, इस तरह का आपका 100 भारतीय सबने लिखा रहेगा भारतीय रिजर्व बैंक। ₹100 ₹100 ये आपका ₹100 है। इस प्रकार से प्यारे बच्चों ये जो है भारतीय, हाँ ये रुपए हैं, ये हमारे पेज नंबर 69 में देखेंगे प्यारे बच्चों, ये भारतीय रिजर्व के पैसे हैं। ये आपका 10 रुपए का नोट है, कितने का है प्यारे बच्चों? 10 रुपए का नोट है ना। ये आपका जो है 20 रुपए, ये 20 रुपए का नोट है, और ये 50 रुपए का नोट है, ये 100 रुपए। ये हमारे भारतीय जो है महंगे नोट्स हैं, इन नोटों को पहचानना है ना, कैसे होता है जो है। अब 1 रुपए बराबर प्यारे बच्चों, 1 रुपए बराबर कितने पैसे का होता है? 100 पैसे का होता है ना, ठीक है ना। 1 रुपए बराबर 100 पैसे के, ठीक है ना। तो हम जो है 1 रुपए बराबर 100 पैसे का होता है प्यारे बच्चों, कितने का होता है? 1 रुपए बराबर 1 रुपए
बराबर 100 पैसे, ठीक है ना। 1 रुपए में प्यारे बच्चों कितने पैसे होते हैं? 100 पैसे होते हैं। कितने पैसे होते हैं? 100 पैसे होते हैं, ठीक है ना। सुनाई दे रहा है? ठीक, ओके। 1 रुपए में 100 पैसे होते हैं। और 1 रुपए, आप इसे 1 रुपए का सिक्का प्यारे बच्चों कितने पैसे? 1 रुपए का सिक्का जो है 50-50 पैसे के सिक्के के बराबर होता है। 2 50-50 पैसे जो है ये 50-50 पैसे के 2 सिक्कों के बराबर होता है, ठीक है ना। ये जो है 50 पैसे का सिक्का जो है, ठीक, ये भी 50 पैसे का सिक्का है। तो ये जो है 1 रुपए जो है 2 50-50 पैसे के सिक्के के बराबर होता है, ठीक है ना। अब इसका 2 रुपए है, 2 रुपए में एक एक दो दो रुपए के बराबर, 1 रुपए 2 रुपए जो है 2 1 1 के रुपए के बराबर होता है प्यारे बच्चों, है ना। जैसे हम बताते हैं तो हाल में आपका जो है देखो पहले सुनो सुनो पचास पैसे प्लस 50 पैसे, 2 50-50 पैसे जोड़ देंगे, कितने पैसे के बराबर हो जाएगा प्यारे बच्चों? 100 पैसे के बराबर हो जाएगा। कितने के बराबर हो जाएगा? 100 पैसे के बराबर हो जाएगा। 50 पैसे बराबर 100 पैसे के बराबर हो जाएगा। बी है 50 पैसे प्लस 50 पैसे कितने पैसे के बराबर हो जाएगा प्यारे बच्चों? 1 रुपए के बराबर हो जाएगा। कितने बराबर? 1 रुपए। माता तब ये तो बैठे सर जी है, सर जी हमारी स्कूल 50-50 पैसे के 1 रुपए के बराबर हो जाएगा। सी है 1 रुपए में जब 1 रुपए प्यारे बच्चों जोड़ देंगे कर पड़ जाएगा 2 रुपए हो जाएगा।
करते जाएंगे 7 रुपए, 2 रुपए में जब 5 रुपए जोड़ दोगे कितने हो जाएगा, 7 रुपए हो जाएगा, है ना। इस तरह के आपके ऑप्शन है जी, इस तरह का आएगा 5 रुपए। पांच रुपए प्यारे बच्चे जोड़ देंगे कितने जाएंगे, 10 रुपए होगा ना, 10 रुपए जोड़ जाएगा, ठीक है ना, ये 10 रुपए हो जाएगा, जोड़ना है, ठीक है ना, रुपयों का जोड़ है प्यारे बच्चों। अच्छा 10 रुपए, 10 रुपए 2 रुपए जोड़ेंगे, कितने रुपए जाएंगे, 10 रुपए तुम्हारे पास है, 2 रुपए अब दे दिया जाएगा, कितने जाएंगे, 12 रुपए होगा ना, 12 रुपए जाएंगे। आई 20 रुपए, 20 रुपए में 1 रुपए जोड़ देंगे, इसी तरह का पहले जो है
अब ये है ए बराबर 100 पैसे हैं, कितने हैं 100 पैसे। अब 100 पैसे में 50 पैसे, कितने पैसे होना चाहिए, दो होना चाहिए, है ना। 50 पैसे के 50 पैसे प्लस 50 पैसे, दो 50 पैसे होंगे तभी 100 पैसे होंगे ना। जब 50 पैसे के दो होंगे तभी 50 पैसे के दो सिक्के होंगे तभी 100 पैसे होंगे ना, है ना। 100 पैसे मतलब 1 रुपए, ठीक। बी है 1 रुपए, गुड ₹1 50 पैसे प्लस 50 पैसे कितने रुपए, जाके 4 रुपए जाएगा, दो रुपए के दो हो जाएंगे तभी 4 रुपए हो जाएगा ना। दो रुपए के दो होंगे तो 4 रुपए, 2 रुपीज। ₹10 बराबर कितने, 2 5 5 रुपए के बराबर ही 10 रुपए होगा, ठीक है ना। इस तरह ई में है 60 रुपए, में 50 रुपए होगा, और 10 रुपए होगा तब हमारा 50 रुपए होगा, ठीक है। ₹21 में 20 रुपया, कितने हो जाएंगे 21 हो गए ना। 20 रुपए में 1 रुपए जब जोड़ेंगे तभी 21 रुपए होगा ना, क्यों होगा ना। जी है ₹52 50 रुपए प्लस 2 50 50 रुपए और 2 रुपए 50 52, है ना। इसी तरह का आपको जो है मनी सम, है ना, कोई भी जोड़ा जाए तो आप इस तरह जोड़ देंगे मनी सम में। पेज नंबर 72 है, पेज में जैसे पैसे
जोड़ना है प्यारे बच्चों वाली शाम हमारे तो आपकी 10 रुपए की रबड़ है, ठीक है ना। ये जो है ये आपका ये जो है 10 रुपए का है ना। पेंसिल बॉक्स कितने का है? 10 रुपए का पेंसिल बॉक्स है। रबड़ कितने की है? मान लीजिए रबड़ है 3 रुपए का, चॉकलेट है। ये पेज नंबर 72 72 में देखेंगे प्यारे बच्चों, है ना। ताब है कि नहीं? हाँ ताब भी 72 पेज में देखेंगे, ठीक है ना। आप जैसे मान लीजिए आपका 10 रुपए का ये पेंसिल मिली है ना, और 3 रुपए का रबड़ है, दोनों को जोड़ना है, कैसे करेंगे है ना। तो पहले लिख देंगे 10 रुपए, 10 रुपए पेंसिल हो गई और 3 की रबड़ हो गई, 3 रुपए की रबड़ है, कितने होंगे? दोनों को जोड़ देंगे 10 3 13 13 रुपए हो जाएगा, ठीक है ना। इस तरह कोई भी आया है इस तरह आप जो है जोड़ सकते हैं प्यारे बच्चों, ठीक है ना। मान लीजिए आ गया वाली किताब नहीं है, किताब नहीं है, नहीं किताब, ठीक है ले, कोई बात नहीं। इस तरह मान लीजिए 15 रुपए का चॉकलेट आपको मिल रहा है, कितने का है? 15 रुपए की चॉकलेट है, ठीक है ना। अब जो है 20 रुपए की आइसक्रीम है, अब कितना आपको रुपए देना पड़ेगा? तो कैसे जोड़ेंगे? 15 रुपए की चॉकलेट है, 20 रुपए की आइसक्रीम है, आपको दो चीजें लिया, आपका कितने रुपए की? तो दोनों क्या करेंगे? जोड़ेंगे ना, तो जोड़ देंगे प्यारे बच्चों। 5 2 1 3 35 कितने होगा? 35 रुपए है ना, 35 रुपए। इसी बाजार से अगर आपने 15 रुपए की चॉकलेट लिया, 20 रुपए की आइसक्रीम लिया, तो आपने दुकानदार को कितना देंगे? 35 रुपए देंगे ना, दोनों को जोड़ दिया, ठीक है ना। इस प्रकार से आप करेंगे, ठीक है ना। आप में आज मनी आपको देखना है भारतीय सिक्का कैसा होता है, नोट कैसा होता है ना, इसको जोड़ना, इसको कोई चीज लेना है वैसे आपको जोड़ना है, इस प्रकार से आपको पढ़ना है, ठीक है। समझ आया कि नहीं? ठीक है, ओके, ठीक है ना, ठीक है। किताब नहीं है प्यारे बच्चों? ओके बोलो, ठीक है ना, तो बोलो वैसे ही।